नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले की सीमा पर स्थित जहांगीरपुर के करीबी गांव भाईपुरनार में स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरी राधिका जी के मुखारविंद से भगवान कृष्ण की कथाओं का रसास्वादन किया गया। कथा के समापन पर विशाल यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज में आयोजित इस विशाल कथा में कॉलेज के अध्यक्ष प्रबंधक डॉक्टर दिनेश अग्रवाल एवं कमेटी के लोगों के साथ साथ समस्त गाँव वालों का विशेष योगदान रहा। देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूदा जी बड़ भागी। आज मेरे प्रभु मीराबाई के सामने प्रकट हो गए, मीराबाई के समक्ष प्रकट हो गए और मीराबाई तो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। मेरे प्रभु ने अपने दोनों हाथों से मीराबाई को उठाया और कहा, मीरा उठ। श्रीमद् भागवत कथा का जो ये आयोजन हो रहा है स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर, ये विद्या का मंदिर है और इसमें आज एक साथ दो पुण्य के काम हो रहे हैं। एक समाज को एक दिशा देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भाईपुर गांव में पिछले काफी सालों से लगातार होता रहा है और साल में लगभग दो बार ये भागवत भाईपुर गांव के अंदर में होती है। स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज जहांगीरपुर भाईपुर ये क्षेत्र का एकमात्र ऐसा इंटर कॉलेज है। यहाँ के आसपास के गांव में आप देखोगे तो कहीं पे इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ की आपने व्यवस्था देखी होगी कि बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई देने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जहांगीरपुर से, इसके अभी संस्थापक हैं, प्रबंधक हैं। तो बहुत अच्छा कहने का मीन्स है कि क्षेत्र में अच्छा एक कॉलेज है जो कि बच्चों को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। भाईपुर गांव में स्थित स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज के अलावा उस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं है। लोगों का कहना है कि अनेकों गांव के बीच अकेला स्कूल होने की वजह से आज हमारे बच्चे खासतौर से लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो कि पहले काफी दूर इंटर कॉलेज होने की वजह से नहीं पढ़ पाते थे। ग्रामीणों ने स्कूल के उत्थान और व्यवस्थापन के लिए दिनेश अग्रवाल को श्रेय दिया। स्कूल से ये जी असलियत में हम स्कूल के बगैर वीरान थे और खास कर मैं ये बोलता हूँ कि लड़कियाँ हमारी कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, कि हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश कोई सड़क की व्यवस्था नहीं, कोई वाहन की व्यवस्था नहीं। हम इस तरीके से बसे हुए थे, पलीले के डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने हमें, हमने डॉक्टर साहब के बीच में स्कूल सौंप दिया। किस लिए कि डॉक्टर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो इस गाँव को क्षेत्र को तार सकते हैं और इतना बड़ा योगदान कर रहा है कि सराहना में शब्दों में क्या करूँ। हम तो इनको अवतार रूपी समझते हैं, क्योंकि लड़कियों का जो भविष्य, लड़के तो कहीं नहीं जा सकते हैं पढ़ाने के लिए, अभी देहातों में इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब के माध्यम से ये हमें जागरूकता पैदा हुई। आज हमारी लड़कियां इंटर क्लास सब फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन से पास होकर जा रही हैं। हमें तो शादी करने में दिक्कत आ रही थी, हर लड़का वाला ये पूछता लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, हमको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता था। ये हमारी किस्मत है कि डॉक्टर साहब जैसे हमारे बीच में आए और आज हम इतने खुश हैं। हो सकता है यदि इनकी उम्र भगवान दूनी करे तो कि डिग्री कॉलेज ही होगा,
जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों इस वक्त मैं जहांगीरपुर के करीबी गांव भाईपुर में हूं, जो कि खुर्जा तहसील में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है इसका। मैं इस वक्त उसी स्कूल में मौजूद हूं जहां पर ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के मैनेजर डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, जो कि जहांगीरपुर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या उद्देश्य से आपने यहाँ गाँव में इस स्कूल का शुरुआत की है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, निवासी जहांगीरपुर, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। मेरा पेशा डॉक्टरी का पेशा है। जहांगीरपुर में मेरा दिनेश क्लिनिक है, दिनेश हॉस्पिटल है। ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, लगभग 25 साल पुराना, 30 साल पुराना ये स्कूल जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं जी। लेकिन किसी दुर्भाग्यवश ये स्कूल बंद की कगार पर पहुंच गया। यह है कि बंद ही हो गया। सन 2010 में यहाँ एक पंचायत हुई, जिसमें मेरा नाम यहाँ पंचायत में रख दिया गया कि इस स्कूल को डॉक्टर दिनेश अग्रवाल को सौंप दो, जहांगीरपुर वालों को, और वो इस स्कूल का संचालन करेंगे। तभी से मैं 2010 से अब तक 2020 आ गई, तभी से मैं लगातार इसका संचालन कर रहा हूँ। यहाँ तक कि ये गांव वाले ये कहते थे कि इस यहाँ ऐसी भूमि है कि जहाँ एक पेड़ पौधा तक घास तक नहीं होती है। मैंने अपने प्रयास से यहाँ 3-3 समर लगवाए, अच्छी पानी की व्यवस्था कराई, और आज एक एक पौधे की तो चले क्या, यहाँ हजारों, कई हजार पौधे यहाँ मौजूद हैं। तो और आपके साथ आप अकेले हैं या कुछ और लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं? नहीं, पूरी कमेटी है। हाँ, 12 लोगों की कमेटी है। बाकी इतना है कि मैंने इसकी मान्यता नर्सरी से 5वीं तक स्वामी परमानंद पब्लिक स्कूल के नाम से ली। उसके बाद में हाई स्कूल तक स्वामी परमानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से ली, और उसके बाद में अब इंटर कॉलेज की मान्यता है, स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर के नाम से यूपी बोर्ड इलाहाबाद से इसकी मान्यता है, और इसका विद्यालय कोड है 09-13-51। कितने बच्चे हैं स्कूल में और लोगों को क्या फायदा मिल रहा है यहाँ पे, कितने गांवों को फायदा मिल रहा है, जरा उसके बारे में बताएं। दर्जनों गांवों को फायदा मिल रहा है, और मैं ये समझता हूँ इस स्कूल से पहले कम से कम यहाँ जो कन्याएं हैं, कन्याओं का भेजने का जो यहाँ से बाहर का वो था, बिल्कुल नहीं था दरबार। यहाँ कन्याओं को विशेष रूप से फायदा मिल रहा है, इंटर तक वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और लगभग इसमें 900 बच्चे एनरोल्ड हैं। इसी साल 2019 और 20 में 180 बच्चों ने यहाँ हाई स्कूल का एग्जाम दिया है, और 264 बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम आने वाली 2020-21 में देंगे, और 111 बच्चे इंटर की परीक्षा देंगे। गांव में प्रत्येक वर्ष इन दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है, परंतु ग्रामीणों की इच्छा से इस बार कथा का आयोजन स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज में कराया गया। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल एवं कमेटी के संरक्षण में यह इंटर कॉलेज नित्य प्रतिदिन प्रगति के नए आयाम छू रहा है। नीतीश चोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।